नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम से मिले हैं संजय कुमार निषाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित भी किया। 13 जनवरी को होगा 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम। कार्यक्रम के लिए सीएम योगी को आमंत्रित किया गया है। गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान 10 संकल्प दिवस का कार्यक्रम गोरखपुर में होना है और इसी को लेकर ये मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी लखनऊ से सीएम से मिले हैं संजय कुमार निषाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया है आमंत्रित। 13 जनवरी को होगा 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम। कार्यक्रम के लिए सीएम योगी को आमंत्रित किया। गोरखपुर में आयोजित होगा 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम होना है और इसी को लेकर संजय कुमार निषाद सीएम योगी से मिले और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को आमंत्रित भी किया। आप ये तस्वीरें मुलाकात के दौरान की देख रहे हैं, जब संजय कुमार निषाद सीएम योगी से मिले और उनको कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में बैठक का दूसरा दिन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बैठक पर बोले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, बैठक तो हमेशा चलती रहती है, बैठक से पार्टी को गति मिलती है, यह उनका कहना था। चिंतन मंथन से निष्कर्ष निकलता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। ये दूसरा दिन है कार्यालय में और इसको लेकर बड़ी बात कही गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि बैठक से पार्टी को गति मिलती है, ये कहा है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने। बैठक तो हमेशा चलती रहती है, बैठक से पार्टी को गति मिलती है और चिंतन मंथन से ही निष्कर्ष निकलता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी कार्यालय में बैठक का आज ये दूसरा दिन है और इस बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैठक करने से पार्टी को गति मिलती है और चिंतन मंथन से ही आखिरकार निष्कर्ष निकलता है, बैठक तो हमेशा चलती रहती है। ये बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया। बीजेपी कार्यालय में बैठक का दूसरा दिन है और बैठक को ही लेकर ये बड़ा बयान जारी किया गया है। ये मैं आपको तस्वीरें जिस वक्त कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बैठक से पार्टी को गति मिलती है और चिंतन मंथन से ही निष्कर्ष निकलता है। बैठक तो हमेशा चलती रहती है, ये तो एक सतत प्रयास है। बैठक का निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फोर्स है ये हमारी पार्टी को गति प्रदान करने के लिए। चिंतन मनन होता रहता है और उसी से बहुत कुछ चीज़ें निकलती हैं। ये तो सत्ता प्राप्ति के लिए है कि किसी तरीके से सत्ता मिले, और इन्होंने कभी भी ये डिवाइड एंड रूल वाले हैं। जब यात्रा शुरू की थी तब गुजरात में 77 MLA थे, अब 17 रह गए, यात्रा का ये प्रतिफल है। तो वहीं हरदोई में जन्मदिन की पार्टी में गए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को बैठाकर 40 मिनट तक उसकी जमकर पिटाई की गई है और उसके बाद आरोपियों ने पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया है। बीजेपी नेता जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए एक इंटर कॉलेज में गए थे। यहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक क्लासरूम में ले जाकर बीजेपी नेता की लात घूसों से जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता ने पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की। मामला कोतवारी कछौना इलाके के टिकारी गांव का बताया जा रहा है। यहां के अरसेनी गांव के रहने वाले बीजेपी बूथ अध्यक्ष मुनेश्वर प्रसाद 31 दिसंबर को टिकारी निवासी बबलू सिंह के बेटे के जन्मदिवस पर आयोजित पार्टी में शामिल होने के लिए गजराज सिंह बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गए थे और यहां पहले से मौजूद टिकारी गांव के रहने वाले अनिल तिवारी अपने साथी सोनू रमेश और कृष्ण कुमार के साथ रिवॉल्वर के दम पर विद्यालय के क्लासरूम में बीजेपी नेता को खींच ले गए और चारों ने बीजेपी नेता को कुर्सी पर बैठाकर लात घूसों से जमकर पीटा।
तो इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी, जो दूरियां थी वो खत्म हो गई, ये कहा है प्रमोद तिवारी ने। यही इस यात्रा की सफलता है। यूपी में तमाम दलों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी का ये बड़ा बयान, कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। हम इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे, ये कहा गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि जो भी दूरियां थी वो खत्म हो गई है और यही इस यात्रा की सफलता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में तमाम दलों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा का इंतजार कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बांदा की खबर, बांदा कलेक्ट्रेट से, जहां कोटेदारों ने डीएम से गुहार लगाते हुए ज्ञापन दिया और कहा कि ठेकेदारों की गाड़ियों से राशन पहुंचाने की व्यवस्था को बंद किया जाए। आपको बता दें कि ठेकेदारों के बड़े वाहनों से सरकारी राशन की दुकान का सामान भेजा जा रहा था, साथ ही साथ जिसके बाद ठेकेदार कोटेदारों से खुद का वाहन मंगवाते हैं, जिससे उन्हें पल्लेदारों को दो बार पैसा देना पड़ता है। पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। राशन डीलर, इनका कहना है कि जो होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है, बड़े वाहन है तो अनाज नहीं पहुंच पाता, इन्हें रास्ते से रिसीव करना पड़ता है। अगर पतली गली है तो वहाँ बड़े ट्रक नहीं जा पाते। इनकी मांग है कुछ छोटी गाड़ियाँ भी जो राशन ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हैं वो रख लेते हैं। ज्ञापन सौ कोटेदारों की समस्याएं हैं जिनमें होम डिलीवरी व्यवस्था में लागू हुई है सरकार द्वारा, तो उस पर 25% छोटे वाहनों का और बाकी बड़े वाहनों का है कि दुकान तक माल पहुंच सके। तो इन लोगों के पास 10-14 चक्का और 12 चक्का ट्रक है ठेकेदारों के पास, तो रोड पे खड़ा कर देते हैं और कोटेदारों को फोन करते हैं कि अपना ट्रैक्टर लेके आओ, तो कोटेदार ट्रैक्टर लेके जाता है, फिर अपने दुकान में उतारता है, पल्लेदारी देता है। तो इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बदमाशों के हमले के खिलाफ आक्रोश, बड़ी जानकारी इस वक्त की कन्नौज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोचिंग सेंटर पर हमले के खिलाफ ये आक्रोश देखी गई, एबीवीपी ने एसपी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा। बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, रंगदारी के लिए किया था कोचिंग सेंटर पर हमला, तिरवा में स्थित है ये कोचिंग सेंटर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, हम आपको कन्नौज से बता रहे हैं, बदमाशों के हमले के खिलाफ ये आक्रोश देखने को मिला। यहाँ पर एबीवीपी ने एसपी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि रंगदारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया था और ये हमला रंगदारी की वजह से ही किया गया था। तिरवा में स्थित है कोचिंग सेंटर, तिरवा में स्थित है ये कोचिंग सेंटर और कन्नौज से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इस घटना को देखकर प्रतीत होता है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब एबीवीपी ने एसपी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि हम लोग अपने कन्नौज की तिरवा तहसील में देख रहे हैं, मतलब उसमें क्या हुआ है, अपने जो कोचिंग संस्थान चलते हैं निरंतर, जो अपने छात्रों के हितों में कार्य करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके साथ जो अभद्रता हुई है, जो मतलब सामाजिक जो गतिविधियां, मतलब जो अपने शिक्षा के माहौल को बिगाड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, ये विद्यार्थी परिषद कतई मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। किस पर मारपीट का माहौल सामने आया? अपने कोचिंग सेंटरों में जो मतलब ये जो रंगदारी का मामला सामने आया है, ये कुछ अराजक तत्व आके उनसे
अपने कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं, जो मतलब वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उनसे पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद एक अपने SP साहब को ज्ञापन देना है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब राजधानी लखनऊ की, जहां पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित IMRT बिजनेस स्कूल में गेस्ट लेक्चर करियर इन सिविल सर्विसेज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IAS ऑफिसर अभिनव सिंह को आमंत्रित भी किया गया। बता दें कि अभिनव सिंह 2019 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अभिनव सिंह सिक्किम कैडर में कार्यरत हैं। अभिनव सिंह ने MBA, BBA, BEd, BCom के छात्रों को सिविल सर्विस से जुड़े विषयों पर जानकारी दी और उनका मार्गदर्शन किया। अभिनव सिंह ने UPSC परीक्षा से तथ्यों पर छात्रों से बातचीत भी की। वहीं आपको बता दें कि संस्थान की निदेशक सुनील श्रीवास्तव ने छात्रों को स्टेट मैनेजमेंट के कुछ गुण भी सिखाए। साथ ही संस्थान ने प्लेसमेंट ऑफिसर सादान नोमानिक ने छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन किया। आपको बता दें कि संस्थान के चेयरमैन देशराज बंसल ने छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य समय और ज्ञान के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही आपको बताते चले कि छात्रों के जीवन में संस्थान के महत्व को दर्शाते हुए बताया कि जो छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ शिक्षणोत्तर गतिविधियों से व्यक्तित्व विकास में लाभ भी मिलता है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि संस्थान छात्र हित में नियमित रूप से नई नई गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए काम करता है। इस व्याख्यान का संचालन संस्थान के फैकल्टी सदस्य डॉक्टर सोनम जैन, डॉक्टर शिल्पिका पांडे, यशस्वी भार्गव, मनीष कुमार और सादान नोमानी ने किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर जनपद रायबरेली के गुरु बख्शगंज कस्बे में प्रख्यात कवि डॉक्टर देवी बख्श सिंह बैस के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभिनव साहित्य और सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में बड़ी संख्या में कवियों ने काव्य पाठ किया। स्मृति शेष हरिशरण सिंह डिप्टी SP को सभी ने याद कर उन्हें समाज का आदर्श बताया। शिक्षक डॉक्टर और प्रख्यात कवि डॉक्टर बैस की लिखित पुस्तक मन के गीत का विमोचन किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि VK चौहान सहित संस्था के लोगों ने कवियों और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष युवा कवि निर्मल प्रकाश श्रीवास्तव के प्रयासों को सभी ने सराहा। डॉक्टर वैस की कृति मन के गीत ने समाज की वर्तमान स्थिति को आईना दिखाया। इस मौके पर ऑल इंडिया वुमेन वेलफेयर एंड एजुकेशन की सदस्य उषा सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नागेंद्र सिंह, चंद्रपाल मौर्य, बड़ी संख्या में नामचीन कवि और क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता प्रख्यात कवि और शिक्षक OP सिंह ने। सम्मेलन का सफल संचालन बैसवारा डिग्री कॉलेज लालगंज प्रवक्ता ने किया। पत्नी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, आते हो ऐ शहर वालों, मुझे तुम क्या सिखाने आ गए हो, ऐ शहर वालों, मुझे चलना बताने आ गए हो, ऐ शहर वालों। मैंने लिखा है एक बुखड़ा है, सुन लीजिएगा। मेरे आंगन में मोर नाच कर श्रृंगार करते हैं, मेरे छप्पर पे गागा और कोयल गान करते हैं, मेरे द्वारे गलारों का गलारी पास होता है, हमारे पोखरों पर बकरों का रास होता है, मछलियां गर्जती परियों का सुंदर की मचलती है, हमारे खेत पर सारस का सुंदर रास होता है,
हमारे पेड़ पर कट फोड़वे की तानवी क्या है, और मेरी बागों में कोयल का वो सुंदर गान भी क्या है। बबीहा प्यार में पागल पिया की रट लगाता है, कहीं मैना कहीं बुलबुल कहीं चुनमुन भी गाता है, कहीं मैना कहीं बुलबुल कहीं चुनमुन भी गाता है। मैं अजीब प्यारी डॉक्टर ओपी सिंह का भाई अमरीश सिंह को समर्पित करूंगा। गांव अगर अच्छा है, मेरा वातावरण अच्छा है, तो कुछ और भी है, सुनेगा। अरे मेरे आंगन में मोहन आजकल श्रृंगार करते हैं, मेरी छत पर पिकागा और कोयल काम करते हैं। अरे पपीहा प्यार में पागल पिया की रट लगाता है, कहीं मैना कहीं बुलबुल कहीं चुनमुन भी गाता है। अगली पंक्तियां देखिएगा, ये माना कि यहाँ पर एक आधा बाज होता है, ये माना कि यहाँ पर एक आधा बाज होता है, जो बिल्ली और गल गैया की खातिर गाज होता है। श्री साइलेंस। तो वहीं बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मुख्यालय स्थित जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर प्रभा रानी और अन्य संबंधित अधिकारी समेत डॉक्टर भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कक्ष का निरीक्षण किया, और आपको बता दें कि निरीक्षण के समय अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के अनुपस्थित पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि वो अवकाश पर हैं, जिसकी वजह से महिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का अल्ट्रासाउंड संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस मौके पर महिला मरीजों से भी बातचीत की, जिस पर महिलाओं ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड ना होना बताया है। तो इस बीच बांदा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदा से बड़ी खबर, बालकुमार पटेल के खिलाफ वारंट जारी। बालकुमार पटेल के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया, पूर्व सांसद है बालकुमार पटेल। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। कुर्की के आदेश के साथ गैर जमानती वारंट जारी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बांदा में बालकुमार पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया, पूर्व सांसद है बालकुमार पटेल। और आपको ये भी बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट को जारी किया, और साथ ही साथ कुर्की के आदेश के साथ गैर जमानती वारंट को जारी किया गया। हम आपको ये बालकुमार पटेल की तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, और कुर्की के आदेश भी दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुशीनगर की, जहां पर सर्विलांस सेल की टीम को कड़ी मेहनत के बाद खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल फोन को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय के सभागार में उनके मालिकों को वापस लौटाया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए विगत एक वर्ष के दौरान जो अलग अलग जगहों से मोबाइल गायब हुए थे या चोरी हुए थे, उनकी बरामदगी की है। कुल इसकी संख्या 101 है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए से अधिक है। और जैसा कि आपने देखा, सभी मोबाइल धारकों को उनके स्वामियों को बुलाकर उनके खोए हुए मोबाइल को उनको सुपुर्द किया गया है, और इस संदर्भ में आगे भी इसी तरीके से जिन व्यक्तियों के मोबाइल गायब है, हम सभी इसके प्रयास में हैं कि उनको जल्दी से जल्दी खोज के उनके इसमें अलग अलग प्रदेशों से भी है, उड़ीसा से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, कुछ उत्तर प्रदेश के जनपदों से है। तो जहां जहां भी मोबाइल ट्रेस हुए थे, उनको वापस लाया गया है, और उनको विधिक प्रक्रिया के तहत उनके स्वामियों को वापस किया गया है। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है प्रशासन ने। 24 मिलावटखोरों को पकड़ा है, 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया।
बेसन और मिठाई में हो रही थी मिलावट, एसडीएम गजेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, प्रशासन ने 24 मिलावटखोरों को पकड़ा, 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि बेसन और मिठाई में मिलावट की जा रही थी और इस बात की जानकारी एसडीएम गजेंद्र सिंह ने दी है। बड़ी खबर आपको हम कन्नौज से बता रहे हैं, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ देखने को मिली है। 24 मिलावटखोरों को पकड़ा गया और 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। बेसन और मिठाई में मिलावटखोरी की जा रही थी, ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। के द्वारा पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाती है। तो पिछले महीने में जो रैंडम सैंपलिंग की गई थी, उनके जो न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में मेरी कोर्ट से इनकी सुनवाई की गई और दिसंबर के महीने में कुल 24 केस ऐसे पाए गए जिनके द्वारा गलत खाद्य सामग्री बेची जा रही थी। तो कुल मिलाकर उसमें 10,25,000 रुपये जुर्माना आरोपित किया गया। तो इस बीच झांसी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति सीज की गई। पूर्व गरोठा विधायक हैं दीप नारायण सिंह यादव, बंगला समेत 237 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया। झांसी जेल में बंद है दीप नारायण सिंह यादव। बड़ी जानकारी झांसी से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति को सीज किया गया। पूर्व गरोठा विधायक हैं दीप नारायण सिंह यादव, बंगला समेत कुल 237 करोड़ की संपत्ति को सीज कर ली गई। आपको ये भी बता दें कि दीप नारायण सिंह यादव फिलहाल जेल में बंद है और इसी संदर्भ में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बंगला समेत कुल 237 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन की तरफ से सीज किया गया। दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति को सीज किया गया है और दीप नारायण सिंह यादव पूर्व गरोठा विधायक हैं। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, मेले माघ का किया गया है निरीक्षण। बड़ी जानकारी इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रयागराज से माघ मेले का निरीक्षण किया गया। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने मेले का निरीक्षण किया, संगम नोज पर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, श्रद्धालुओं से मेले की तैयारियों के बारे में भी पूछा। साथ ही साथ लोगों ने मेले की तैयारियों का सराहना भी की है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, ये चीफ सेक्रेटरी का कहना था। कुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर माघ मेला आयोजित किया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है और बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो प्रयागराज से इस बीच एक बड़ी खबर, माघ मेले का निरीक्षण किया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने माघ मेले का निरीक्षण किया है। ये निरीक्षण के दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। संगम नोज पर मेले की तैयारियों का जायजा लिया गया है और इस बीच श्रद्धालुओं से बातचीत भी की गई है। श्रद्धालुओं ने जो माघ मेले में तैयारियां की गई उसकी काफी तारीफ की और ये भी कहा जा रहा है कि कुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर भी इस माघ मेले को देखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो बांदा से इस बीच एक और बड़ी खबर, अस्पताल के बाहर कार सवारों ने छोड़ा शव। बड़ी जानकारी इस बीच आपको हम बांदा से बता रहे हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर बांदा से बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल के बाहर कार सवारों ने शव को छोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बबीरू का रहने वाला था मृतक का पहले से ही एक पैर कटा हुआ है। शव मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा से बड़ी खबर,
आपको बता दें कि यहां पे कार सवारों ने अस्पताल के बाहर शव को छोड़ दिया और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मृतक का पहले से ही एक पैर कटा हुआ था और शव मिलने के बाद कार सवारों के शव छोड़ने के बाद पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक मृतक जो है वो बबेरू का रहने वाला था। एक व्यक्ति है जो अज्ञात में है, ये इनकी उम्र करीब करीब 65 साल है, ये हमारे यहाँ मृत अवस्था में आए हैं और ये इनके साथ कोई नहीं, परिजन नहीं है और कुछ लोग अज्ञात लोग इनको छोड़ कर चले गए। बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के भेज दिया गया और बॉडी की मोचरी मृत पा दिया गया। तो वहीं लखनऊ के जानकीपुरम में पकड़े गए लुटेरों का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लूट की घटना को अंजाम देने से पहले 24 तारीख को लखनऊ के पारा में लुटेरों ने एक महिला के साथ मारपीट की थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित के परिवार ने थाने में लुटेरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी लेकिन इसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह ने के एन आई पी एस एस कॉलेज में अध्यापक ने छात्र के साथ गाली गलौज की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अध्यापक विधायक का जानकार बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक छात्रा के साथ गाली गलौज भी की गई है। ये पूरा मामला हम आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं। सुल्तानपुर में अध्यापक ने छात्रा के साथ गाली गलौज की। KNIPSS कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।